Un paio di gatti, so che è gatto, e con te l'anno per utessi. हेलो गाइस, स्वागत है आपका एस वाई जी गेमर्स पे। और आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, और वो भी हार्डकोर मोड में। और ये हम शुरू कर दिया हमारा गेम। अब मैं बोट में जा रहा हूँ, बोट में एक जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर मैं अपना कैसल बना सकता हूँ या माइन बना सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लकड़ियाँ तोड़ दी है और क्राफ्टिंग टेबल बना दिया। क्राफ्टिंग टेबल से बहुत मतलब हथियार भी बना दिए। अब मुझे कोबल स्टोन चाहिए, और कोबल स्टोन कलेक्ट कर रहा हूँ मैं अभी। कोबल स्टोन कलेक्ट करने के बाद मैं पिकेक्स बनाऊंगा, और पिकेक्स और ये भी बनाने वाला हूँ अपनी स्वॉर्ड। तो यहाँ पर मुझे खाना दिख रहा है, यहाँ पर चिकन्स दिख रहे हैं मुझे, और मुझे खाना चाहिए। और यहाँ पर मैं सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल लगा के अपने हथियार बना रहा हूँ। एक स्वॉर्ड बना लिए मैंने, एक पिकेक्स और एक एक्स। तो ये बन चुके हैं हमारे सभी के सभी हथियार। तो अब मुझे सिर्फ शिकार करना है उन चिकन्स का। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पास पहले से ही खाना है, पर मुझे और भी खाना चाहिए, इसलिए मैं चिकन्स को यहाँ पर देखो, पिग मिल चुका है मुझे, और मैं पिग को मारने ही वाला हूँ। पर ये कहाँ पर गया? और मुझे ये लकड़ी की फेंक देनी पड़ेगी। तो अपना क्राफ्टिंग टेबल उठा लेते हैं दोस्तों, और फिर जाते हैं चिकन्स को मारने के लिए। तो ये वाले चिकन को सबसे पहले मारेंगे हम, और ये मर भी गई देखो। और मुझे न्यू रेसिपी भी मिल गई है। ऊपर क्यों चढ़ी यार, नीचे आ जा। और इसको भाग गई, देखो देखो, ये होशियार है शायद से। देखो कितनी भाग रही है, फिर से उधर ही चली गई। अब मार गया, हाँ मिल गई मुझे। अब यहाँ पर और एक चिकन है, और दो चिकन है, ये इस वाले को मारता हूँ मैं। और मुझे कैसल के लिए एक जगह मिल गई, देखो सामने क्या मस्त सी जगह है। देखो ये जगह मुझे बहुत बहुत मस्त लग रही है, पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे केव्स है ज़ॉम्बीज़ के, इसलिए मुझे ज़रा सावधान रहना है। और यहाँ पर मैंने शुरू कर दिया माइन करने के लिए, पर यहाँ पर सारे के सारे ब्लॉक्स कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, मतलब सारे के एक जैसे है। पर मुझे कोबल स्टोन जहाँ पर है वहाँ पर माइनिंग करनी है, तो यहाँ पर ठीक लग रहा है। इधर कैसल भी ठीक से बनेगा मेरा। पहले तो मैं माइनिंग करने वाला हूँ, उसके बाद कैसल बनाने वाला हूँ। कैसल इतना तगड़ा बनाने वाला हूँ दोस्तों, उज्जवल भाई जैसा। तो यहाँ पर मैं ऊपर चढ़ गया हूँ, और यहाँ पर ही माइनिंग करने वाला हूँ। पर यहाँ पर मुझे सबसे पहले ब्लॉक्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि ज़ॉम्बीज ऊपर नहीं आ सके। ताकि एक भी ज़ॉम्बी ने मुझे देख लिया और ऊपर आने लगा, तो मैं गया काम से, मेरे माइंड में घुस जाएगा वो। तो इसलिए मैं यहाँ पर दो दो ब्लॉक्स लगाने वाला हूँ, जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं आ सकते। मैं तो ऊपर आ सकता हूँ, पर वो नहीं आ सकते। तो यहाँ पर मैं माइन अपने ब्लॉक्स तोड़ रहा हूँ डर्ट के। और ये डर्ट के ब्लॉक्स तोड़ दिए मैंने, अब नीचे आ चुका हूँ मैं। नीचे के तोड़ रहा हूँ ताकि वो ऊपर ना आ सके ज़ॉम्बीज़। तो यहाँ के भी थोड़े फार तोड़ देता हूँ मैं। अब ठीक लग रहा है, मस्त लग रहा है। अब मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ से मैं जा सकता हूँ कि नहीं, ये देखना है मुझे। क्योंकि अगर ज़ॉम्बी मेरे पीछे आ गए, तो ब्लॉक्स लगा के मैं ऊपर जाने से पहले ही उन्होंने मुझे मार दिया, तो मैं गया काम से। इसलिए एक दूसरा रास्ता बना रहा हूँ, जहाँ से मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ वहाँ पर। तो ठीक है, ये रास्ता ठीक है, और ये बन चुका है। अब यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ नहीं आ सकते ऊपर। थोड़ा सा और तोड़ देता हूँ मैं, थर्ड लेयर बना देता हूँ इनके लिए। ज़ॉम्बीज़ जब हमें देखते हैं तो हमारे पास आते हैं, वो ये नहीं सोचते कि कहाँ से जाएँ। तो हमारी माइनिंग शुरू कर देते हैं हम। पहले तो थोड़ा अंदर जाता हूँ मैं, और थोड़े कोबल स्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर डायरेक्ट माइनिंग शुरू करेंगे दोस्तों हम। मेरे पास लकड़ियाँ भी है, वुड भी है मेरे पास, तो वुड से मुझे स्टेयर्स बनानी पड़ेगी, और फिर माइनिंग करनी पड़ेगी। पर दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे अब तक कोल नहीं मिला है। देखो मैं बहुत अंदर आ चुका हूँ, अब ये ठीक है शायद से। यहाँ पर मैं ब्लॉक्स लगा देता हूँ, ताकि अंधेरा होने के बाद ज़ॉम्बीज़ ना आ सके। पर यहाँ पर बहुत अंधेरा हो गया, और मेरे पास टॉर्च भी नहीं है। तो यहाँ का एक ब्लॉक मैं ऊपर का तोड़ देता हूँ, ताकि रोशनी अंदर आ सके। दूसरा भी तोड़ना पड़ेगा। ओके, अब सही लग रहा है। तो अब मैं अपनी माइनिंग शुरू कर रहा हूँ। ये फोर ब्लॉक्स तोड़ दिए मैंने, अब मैं नीचे जाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों क्राफ्टिंग टेबल ले लेता हूँ एक बार। क्राफ्टिंग टेबल में मैं अपनी लैडर बना लेता हूँ। लैडर मैंने बना दी है 21, बहुत कम है ये, और फिर भी अभी के लिए मैं बना देता हूँ, क्योंकि मेरी स्टिक्स ख़त्म हो चुकी है। और स्टिक्स तो मैं बना बना सकता हूँ, पर थोड़ी सी माइनिंग करता हूँ पहले,
देखता हूँ कि नीचे जोम्बीज़ का केव है क्या नहीं। अगर हुआ तो फिर से भागना पड़ेगा यहाँ से और दूसरा जगह देखनी पड़ेगी। अभी तो मुझे फ़िलहाल आयन चाहिए, आयन के ब्लॉक्स, ताकि उससे मैं अपना शील्ड बना सकूँ। उसके लिए मुझे फर्नेस भी चलेगा क्या? फर्नेस भी बनाने वाला हूँ मैं, पर अभी फर्नेस की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी देर बाद बनाऊँगा मैं। तो यहाँ पर चेक कर रहा हूँ मैं कुछ है कि मेरे लिए, नहीं है कुछ बनाने के लिए। तो मैं अभी स्टोन पिकेक्स थोड़ी बना लेता हूँ, ताकि नीचे जाके क्राफ्टिंग टेबल फिर से लगाने के लिए चांस ना मिले मुझे। मतलब चांस नहीं मिली तो फिर क्या हो जाएगा, इसलिए पहले से ही मैं बना के रखता हूँ अपने स्टोन पिकेक्स। सॉर्ड तो अपने पास है, तो ये साइन बोर्ड नहीं चाहिए मुझे अभी के लिए। चेस्ट ले लेता हूँ एक, चेस्ट में मैं अपने सारे इंपॉर्टेंट थिंग रख दूंगा। फर्नेस भी बना देता हूँ अभी के अभी, बना भी दिया मैंने। फर्नेस और चेस्ट को एक बाजू में रखता हूँ और खाने को भी एक बाजू में रखता हूँ, ताकि इंपॉर्टेंट थिंग्स एक बाजू में रहे, ताकि बाद में मुझे प्रॉब्लम ना आए। तो ये मैंने रख दिया है। खाना मैंने कुक नहीं किया है, एक रोस्टेड खाना है मेरे पास पहले से ही। तो हमारा स्मोकर रेसिपी अनलॉक हो चुकी है। तो मैंने ये वुड के स्टोन वुड पिकेक्स मैंने फेंक दी है, ताकि उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, वो बिन मतलब कुछ काम के नहीं मेरे लिए, और मेरी जगह भी घेर देते हैं वो। तो यहाँ पर मैं नीचे देखो कितने फास्ट जा रहा हूँ मैं अभी, और यहाँ पर अपने लैडर्स लगा के जा रहा हूँ, ताकि बाद में मुझे नीचे जाने के बाद, देखिए कोई पागल ही होगा जो नीचे जाने के बाद लैडर्स ऊपर चढ़ चढ़ के लगाएगा, क्योंकि नीचे जाते जाते लैडर लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ सब ठीक है कि नहीं, कितने ब्लॉक्स नीचे जाना है मुझे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दूसरे ब्लॉक्स आ चुके हैं, वही ब्लॉक्स है जहाँ पर वो सबसे पहले मैं माइनिंग करने वाला था, पर वो ब्लॉक्स की वजह से मैंने किया नहीं था। पर ठीक है, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर आ चुका हूँ मैं, नीचे भी गया, ठीक है। बहुत मस्त बन चुका है अभी, इतना मस्त बन चुका है ना, एकदम स्मूथ। तो अब मुझे माइनिंग शुरू करनी पड़ेगी, यहाँ से मैं ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ, कूद के ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ मुझे मुझे कुछ तो हम। यहाँ पर एक है मेरे पास लैडर, तो वो लगा देता हूँ, तो क्या है नीचे से ही मैं ऊपर जा सकता हूँ, कि कूद के ऊपर तो नहीं जा सकता मैं उस लैडर के पास। तो यहाँ पर लैडर लगा दी मैंने और यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ मैं, ताकि दिन है अभी। ओके भाई यार, गिर चुका हूँ मैं, और मेरे पास सिर्फ 2 लाइफ है, तो मुझे खाना खाना पड़ेगा। बहुत आने दे रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। ओके हाँ, अब मिल चुका है मुझे। तो मैं खाना खाने गया और लैडर तोड़ दी मैंने, और ये खाना खा दिया मैंने, खा लिया मैंने। 2.5 3 3 लाइफ हो चुकी है। अब मैं रोस्टेड फ्लैश खाने वाला हूँ। ये रोस्टेड फ्लैश मुझे आराम से मिल गया था आते वक्त ही, मैंने इसको तोड़ा नहीं था। तो चलिए अब अपना काम शुरू करते हैं। फर्नेस फर्नेस में मैं फर्नेस क्यों निकाल रहा हूँ यार, शिट। तो चलिए क्राफ्टिंग टेबल निकाल दी मैंने। क्राफ्टिंग टेबल में मैंने एक बोट बना दी। बोट इसलिए बना रहा हूँ कि ऊपर दिन है अभी, और दिन में मैं बोट पे जाके कुछ स्टोन्स लेके आ सकता हूँ। मुझे सैंड भी चाहिए, सैंड स्टोन से मैं बना सकता हूँ ग्लास ग्लास ब्लॉक्स, और वही मुझे बनाने हैं। स्टार्टिंग में ही मुझे आते हो बहुत सारे सैंड स्टोन मिल चुके थे, पर क्या है कि हम पागल थे, हमने नहीं लिए पहले। अब ऊपर जाके फिर से जाना पड़ेगा वहाँ पर। फिलहाल तो मुझे सैंडस्टोन की इतनी ज़रूरत नहीं, मेरे पास थोड़े है सैंडस्टोन, उससे मुझे लगता है 3 से 4 ग्लास के ये बन जाएंगे ग्लास ब्लॉक्स। यहाँ पर मैं इसको हाइड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे आने जाने में तकलीफ़ ना हो। तो यहाँ पर मैं बाहर जाता हूँ, अभी बाहर जाके देखता हूँ तो डे लाइट ही है, पर ये ब्लॉक्स नहीं यार, ब्लॉक्स नहीं, मुझे इधर ब्लॉक्स नहीं चाहिए, मुझे इधर डोर चाहिए, डोर। तो मैं डोर बनाने के लिए देखता हूँ अपने पास सामान है कि नहीं। तो डोर बनाने के लिए मेरे पास ये ब्लॉक्स नहीं है, तो ये मैं बना देता हूँ अभी। बन भी चुके हैं ये, तो चलिए इनको कलेक्ट कर लिया, 12 बन चुके हैं मेरे पास। तो अब मैं बना रहा हूँ अपने डोर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है एक कैसल का या माइन का।
सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये डोर। तो अरे माइन अपने क्राफ्टिंग टेबल तोड़ दिया मैंने, यहाँ पर जाके मैं क्राफ्टिंग टेबल रख देता हूँ, कुछ नहीं यहाँ पर सेव करके रख देता हूँ मैं इसको। क्राफ्टिंग टेबल में कभी भी बना सकता हूँ, किधर भी बना सकता हूँ। यहाँ पर मैं स्मोकर भी रख देता हूँ ताकि बाद में मुझे मर भी गया तो कुछ टेंशन नहीं होगा। तो यहाँ पर मुझे ये ब्लॉक तोड़ना है, ब्लॉक तोड़ने के बाद वहाँ पर मैं दरवाज़ा लगा देता हूँ। अबे लगना लगना नहीं लग रहा, कि वो क्या हुआ, लग गया, हाँ लग गया, लग गया भाई। तो और दो दरवाजे हैं मेरे पास, पर वो मैं बाद में लगाने वाला हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी डे लाइट है इसलिए मैं बाहर जाने वाला हूँ। तो अगला, इसका अगला पार्ट मैं बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों इसका अगला पार्ट मैं कल डालने वाला हूँ, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल चालू कर दीजिए ताकि कल का वीडियो आप तक पहुँचे, और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और सारे गेमर्स दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस वीडियो को समरी देखने वाले हैं। तो आज हमने क्या क्या किया, आज हमने माइनिंग के लिए माइन भी ढूंढ ली है, और वहाँ पर माइनिंग भी करने वाले हैं अब हम, और हमें कोल चाहिए, कोल ढूंढना है अब हमें नेक्स्ट वीडियो में, और आर्मर भी बनाना है, अपना आयरन का आर्मर बनाना है मुझे। बेसिकली इस वीडियो में मैंने सिर्फ हार्डकोर लेवल में एक जगह ढूंढी है जहाँ पर मैं माइनिंग कर सकता हूँ और अपने कैसल बना सकता हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि कैसल यहाँ पर नहीं बनाऊँगा, क्योंकि कैसल के लिए एक प्लेन पूरी जगह चाहिए। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि इस माउंटेन में ज़ॉम्बीज का केव है क्या नहीं, अगली वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वही। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। Con talana o veruta así, za u o es.